हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। आज है टीचर्स डे और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है ना। गाइस, टीचर हमारे जीवन में बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होते हैं और हम किसी न किसी से सीख के ही आगे बढ़े हैं, तो उनको बिल्कुल भी मत भूलिए। याद रखिए, हमेशा आपके जीवन में जो भी हुआ है, आप जितने भी सक्सेस को अचीव कर पाए हो, आज उन्हीं की वजह से अचीव कर पाए हो। अगर उन्होंने आपको शिक्षा ना दी हो तो ना दी होती तो आज आप वो यहाँ पे नहीं होते। साथ ही साथ हमारे माता पिता भी हमारे जीवन के सबसे बड़े टीचर होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपने माता पिता को भी ज़रूर विश कीजिए, क्योंकि उनसे आपने सीखा है अपने जीवन का हर एक पहलू। जीवन की गुत्थी माता पिता ही सुलझाते हैं और माता पिता से ही हमें आगे बढ़ने का जो है समझ में आता है कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता करते हैं, हम वैसा ही है ना करते हैं, तो सिखाते हैं हमारे माता पिता। तो अपने माता पिता को भी ज़रूर ज़रूर आज विश कीजिए और मेरा भी उन सबको, उन सारे माता पिता को दिल से प्रणाम। चलिए आज की इस रीडिंग को हम करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आज सुबह सुबह आपको मिस कर रहे थे या नहीं। तो आज सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मिस कर रहे थे या नहीं, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है रीडिंग के ऊपर। फोकस करना है क्या, पूरी तरीके से रीडिंग के ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो आज की इस रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यह है सन का कार्ड, ओके। यह है हेरोफेंट, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स। यह है मेरे पास फूल की एनर्जी। चलो, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। साइन बताती हूँ आपके पार्टनर का। सबसे पहले तो साइन हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है मेरे पास टॉरस, एंड मेरे पास है यहाँ पे अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि, सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें, ये हम देख लेते हैं। तो कार्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो आपके पर्सन जो है ना, ये पर्सन डीप सोच वाले हैं, डीप सोचने वाले हैं पर्सन, ठीक है। कुछ भी होता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको गुस्सा भी एकदम तेज वाला गुस्सा आता है, एकदम स्ट्रांग वाला गुस्सा आता है। और ये पर्सन जो है ना, गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर के ये कोई ना कोई डिसीज़न ऐसा ले लेते हैं जिससे आपका दिमाग, दिल खराब हो जाता है। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिविटी या आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं दे पाते हैं। वो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव जो एक होता है ना कि पॉजिटिव इंसान है ना, तो वो जो है ना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में यहाँ पे आजकल रह रहे हैं।
ये पर्सन की निगेटिविटी कहाँ से आ रही है? तो ये पर्सन की निगेटिविटी इनके वर्क प्लेस से आ रही है, साथ ही साथ इनकी फैमिली लाइफ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर का कि भाई आप लोगों के पार्टनर जो है ना, लगता है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर ना काफ़ी एक होता है ना, जैसे कि अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। लाइफ को सिक्योर करके एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के है ना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके बहुत अंदर से ऐसे हो चुके हैं ना, जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और लग रहा है जैसे कि आपकी जो एक होती है ना कि आपने जिस तरीके से बैलेंस किया इस पर्सन के गुस्से को, बर्दाश्त किया आपने, इस पर्सन का एटीट्यूड यहाँ पे कम हुआ है ना, आपकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं इस पर्सन की लाइफ में, मिला जुला के ये कह सकते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो एक जो होता है ना कि एनर्जी को बैलेंस करना, तो आपके पार्टनर ने उस एनर्जी को बैलेंस किया है, भली भांति ये पर्सन ने बैलेंस किया है, रिश्ते को अच्छे तरीके से बैलेंस करके ये पर्सन चलते आए हैं, और ये आज भी यहाँ पे आपको ही उसका रीज़न मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर पर्सन थे, बट आपने कहीं ना कहीं इनको मेच्योर जो है ना बनना या मेच्योर किया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर का लग रहा है कि इस पर्सन की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आजकल ज़्यादा हो गई हैं, इस पर्सन के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ गया है। हो सकता है कि ये पर्सन अकेले ही सारी चीज़ों को कर करके परेशान हो गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ना अपने सिचुएशन में काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे एकदम लगता है ना कि उससे निकलने की कोशिश हो रही है, जैसे कि क्या यार ज़बरदस्ती का मैं ये सब कर रहा हूँ। एक समय में मल्टीपल काम कर रहे हैं ये पर्सन, लगता है जैसे कि ये भी करना है, इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी करना है, इन्हीं को करना है, दूसरा काम भी करना है तो इन्हीं को करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं और खुद अकेले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई इनका साथ ही नहीं है, कोई इनको साथ नहीं दे रहा है, कोई भी इनका साथ देने को रेडी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वह एन्जाइटी, वह स्ट्रेस में आपके पार्टनर तो रह ही रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन के अंदर ना जो एक स्ट्रेस है ना, जो एक ऐसी फीलिंग है ना जो मुझे नज़र आ रही है, वो बता रही है कि भाई आपके पर्सन के अंदर जो समझ में आ रहा है इस पर्सन को, लगता है जैसे कि भाई आप जो है ना इस पर्सन के लिए वो पर्सन हो जो एक भटके हुए को रास्ता जो इंसान दिखाता है ना, वो आप उनकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन आपको ही अपना सब कुछ मान रहे हैं, आपको ही अपना सब कुछ देख रहे हैं, आपको ही सब कुछ जानते हुए मानते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके इस रिश्ते में ना आपके पर्सन का लगता है जैसे कि बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग, बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत जो है ना, एक होता है ना जैसे कि रोमांटिक वाली फीलिंग्स, आपके पार्टनर के मन में रोमांटिक वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं, रोमांटिक वाले इमोशंस भी आ रहे हैं। लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, बहुत सेपरेट हो गए, बहुत जो है ये सब झेल लिया, अब जो है ना, अब जो है प्यार करने का टाइम आ गया है। अब प्यार 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 तो होना ज़रूरी है, प्यार 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 होगा और इमोशंस भी होंगे, फीलिंग्स भी होंगी, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि ये पर्सन करना चाहते हैं। ये पर्सन बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए हैं और ये पर्सन आपके लिए हमेशा से ही रहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का अंदर से एक जो पॉजिटिविटी है या एक जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है, उसको ये पर्सन सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि
हेरोफेंट की एनर्जी है जो कि बताती है कि ये पर्सन को कोई ना कोई गाइड कर रहा है इनकी सिचुएशन के अनुसार से, इनकी प्रॉब्लम के अनुसार से, ताकि ये जो पर्सन है उस सिचुएशन से बाहर निकले, है ना। ये पर्सन जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, लॉयल होकर के जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, उस तरीके से आपको लेकर के सीरियसली सोचे और आपको लेकर के ये पर्सन बताए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये मेरी लाइफ में हो रहा है, तो शायद आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके लिए पूरी तरीके से एक होता है ना कि जैसे कि पूरी तरीके से रेडी करते हुए अपने आप को दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है आपकी तरफ एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा जो एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके पर्सन का जो नेचर है, आपके पर्सन का जो प्यार है ना, वो आप देखने को मतलब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर की, ये आपके पार्टनर धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के अंदर पैशन आपके लिए है, ये पर्सन के अंदर ये है कि आपकी ही राह देख रहे हैं और आपके साथ एक अपना जो कनेक्शन है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस पर्सन ने पहले बेवकूफ़ी करी है, इस पर्सन ने पहले अपनी मनमानी करी है, पहले मनमानियाँ करके ये पर्सन अब जो है पछतावा कर रहे हैं। अब लग रहा है कि नहीं यार, मनमानी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में लॉजिक लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या है आखिर, कैसा है आखिर, क्यों है आखिर। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ रहोगे, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को होप ज़रूर है आपसे कि आप इनके ज़िंदगी में लाइफ टाइम तो रहोगे ही रहोगे, ठीक। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में। अब मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या है, आपकी भी एनर्जी को चेक कर लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड मेरे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ है 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है 2 ऑफ कप्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। लास्ट कार्ड निकालते हैं आपकी एनर्जी से, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका साइन हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इमोशनल आप बहुत हो भाई, आपके इमोशंस बहुत है। आप किसी और के लिए इमोशनल होना हो, इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो। आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे कुछ मामले में आप कंफ्यूजन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं क्या करूँ। कहीं ना कहीं आपकी जो जिंदगी है इसी बीच में जगल कर रही है, आपको परेशानी फील हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन मेरे साथ आखिर ऐसे करता क्यों है, ऐसी चीज़ें करता क्यों है, ऐसी बातें करता क्यों है, ये मेरे साथ कनेक्शन में आता क्यों नहीं है, मेरे साथ अपने रिलेशनशिप को बनाता क्यों नहीं है, ये इस तरीके की बातें क्यों करता है, उस तरीके की बातें क्यों करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा बहुत, देखो आप जो है ना, लगता है जैसे कि आपको डिसीजन लेना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ज़िंदगी का
ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, जहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप ये सोच रहे हो, आप ये सोचते रहते हो कि पर्सन ने आखिर किया क्यों, मेरे साथ क्यों किया, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा एन्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पार्टनर ने आपको जो है ना रखा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एन्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपके अंदर भी सेम एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रिग्रेट फील कर रहे हो, अपने आप को बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी आपने झेली हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी आया है, बहुत सारे इश्यूज़ भी आए हैं, फेस करे हैं आप दोनों ने। आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या एडजस्ट करने की कोशिश करी आपने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन हैं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिस तरीके से आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी वजह से आना चाहते हैं, आपको पता भी है क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी थी। मैनिफेस्टेशन क्या किया, होपोनोपो प्रेयर किया, तब जाके आपको कहीं इस पर्सन के आने की खबर या इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव है ना लगा कि आपके ज़िंदगी में बदलाव होगा, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस, आपके पार्टनर जो है ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही जो एक होता है ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन का जो प्यार करना है, इस पर्सन के अंदर जो एक जो पॉजिटिविटी है वो भी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के अंदर ना, जैसे होता है ना कि जैसे कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत बहुत कुछ है जो कि ये पर्सन को कहना भी है और छुपा भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाह रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप इस पर्सन से डीपली प्यार करते हो। आपके पर्सन जितना भागने की कोशिश करे, ठीक है, आप उनको भागने नहीं देना चाहते हो, आप उनको करीब लाना चाहते हो। आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते हैं या आपसे दगाबाजी करते हैं, आपसे छुपाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, वो आप भली भांति जानते हो कि ये पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं और थर्ड पार्टी की बातें आपसे छुपाते हैं। मुझे लगता है कि आपको लगता है, आपको डाउट है इस पर्सन के ऊपर कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में इन और आउट करते रहते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना कहीं तो है इन्वॉल्व, है ना, जहाँ पे ये पर्सन को मेरी कमी महसूस नहीं हो रही है, इसीलिए किसी तीसरे के साथ जा रहा है, किसी चौथे के साथ जा रहा है, किसी तीसरे चौथे पांचवे के साथ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एन्जाइटी, वो स्ट्रेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिख रहा है। मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसे फीलिंग होती है ना, इस पर्सन की फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है आपकी, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कमिटमेंट देने की बारी से या कमिटमेंट देने के नाम से हिचकिचाने लगते हैं, हिचकिचाहट इनकी दिखाई देने लगती है इनके चेहरे पे। आपने हमेशा इनको देखा होगा, इस पर्सन को देखा होगा कि ये पर्सन जो है ना आपको वो जो खुशी है, जो वो खुशी जो है ना वो दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो खुशियाँ हैं ना वो बैरियर तो बन रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको खुशी वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही हैं, कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा एन्जाइटी स्ट्रेस इसी में मुझे नज़र आ रहा है आपका। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप करने को कुछ होते हो लेकिन हो कुछ जाता है, एक्सपेक्ट कुछ करते हो लेकिन हो कुछ जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस 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 बहुत ज़्यादा आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आप परेशान मुझे नज़र आ रहे हो,
बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी परेशानी जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। आपकी परेशानी जैसे कि लगता है जैसे कि अब ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, लेकिन वो परेशानी कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड में। आप हीलिंग चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, और इस कनेक्शन को सच में इम्प्रूव करने की चाहत आपके अंदर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि अब आपके पार्टनर का क्या रहेगा, आपकी तरफ क्या कुछ करने वाले हैं ये पर्सन, क्या कुछ एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जस्टिस, वेरी नाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर का कार्ड, नाइन ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वांड्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, मैं देखूँ तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना, जैसे कि इस पर्सन के अंदर ये ज़रूर है कि इनको बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि मतलब आप क्या फेस कर रहे हो, या आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनके इमोशंस क्या हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बताना तो चाहिए। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा इमोशंस आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको जस्टिस भी देंगे और अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन डीप लेवल पे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं आपसे। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जाहिर करना अच्छी बात है, मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपके लिए एक होता है ना कि अपना माइंडसेट चेंज करना, तो आपके पार्टनर अपना माइंडसेट चेंज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन के अंदर ये लग रहा है जैसे कि लगता है जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ अच्छा नहीं किए हैं, अच्छा नहीं किया है इस पर्सन ने, तो ये पर्सन ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो ये पर्सन की बातें जो है ना आपको पच नहीं रही हैं। देखो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगी इनको, और ये पर्सन हर एक चीज़ को समझ करके आपके तरफ एक्शन, अपना डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन हर एक चीज़ को समझने की कोशिश आपके पार्टनर जड़ तक करने वाले हैं, एकदम जड़ तक करेंगे ये पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो है आपने कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने इस रिश्ते में बहुत चीज़ें करी हैं जो कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं। देखो ये पर्सन के अंदर है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत अच्छे हीलिंग करते हो, या आपके साथ बैठ के मोटिवेट हो जाता है मन। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर का मोटिवेशन आप हो, आपके पार्टनर के लिए जो एक जीने की चाहत हो वो आप हो, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि इस रिश्ते में ना आपके इस रिश्ते में ना आपको काफ़ी चीज़ें जानने को या काफ़ी चीज़ें समझने को मिली हैं। लगता है जैसे कि ये रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से सर्वाइव किया है, मैं ये देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर ने अब डिसीज़न लेना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छा डिसीज़न लेना स्टार्ट कर दिया है। डिसीज़न ले करके आपके तरफ आना, डिसीज़न लेके आपके तरफ बातें करना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा,
डिसीजन ले करके आपके तरफ एक बहुत ही सुंदर सी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई सुंदर सी शुरुआत ज़रूरी है और स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर का क्या है स्टैंड लेना? मुझे नज़र आ रहा है कि यस, ये पर्सन स्टैंड लेने जानते हैं और स्टैंड लेंगे ये पर्सन। अंदर से जो इनको फील हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई मैं यहाँ पे अकेला ही सही, बट मैं उसके लिए करूँगा ज़रूर। आपके पार्टनर के अंदर ये हो रहा है कि मैं उसके लिए करूँगा ज़रूर, चाहे जो हो, बट मैं उसके लिए करूँगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके अंदर से जो एक पॉजिटिविटी है, अंदर से एक जो पॉजिटिव चेंज है, वो आपके पार्टनर ने अपने अंदर लाना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है टू ऑफ वांड्स, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आपको ये सक्सेस मिलने वाली है भाई। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आपको ये सक्सेस भी मिलेगी, ये मोहब्बत भी मिलेगी, ये पर्सन के साथ जो आपकी अटैचमेंट है वो भी मिलेगी। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। अब मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सब बोलते हैं दीदी हमें क्या करना चाहिए, हमें बता दो, है ना। तो आज की रीडिंग में ना मैं आप लोगों के लिए एंजल की गाइडेंस निकालूंगी। ठीक है, मैं बड़े दिन के बाद इस कार्ड को यूज़ कर रही हूँ और ये देखो एंजल गाइडेंस। यहाँ पे यस और नो का सेशन भी हो सकता है ये, अगर कार्ड यस नो में भी आए तो यस उसका सेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी एंजल गाइडेंस हम कर रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स आपको। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आपके लिए ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना है आपको, रुकना नहीं है। देखो हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी के लिए जो है ना आपको जो भी समझ में आता है वो आप कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहना है आपको और ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, क्योंकि जो होगा आपके बेहतर के लिए होगा, जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपने इंट्यूशन का भी सुनना चाहिए। यूनिवर्स का कहना है कि भाई आप अपने इंट्यूशन का भी सुनो, आपकी इंट्यूशन भी आपको क्या कह रही है ना वो भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, आपके पार्टनर जो है क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, आपको इंट्यूशन आता होगा, वो इंट्यूशन आप सुनो कि क्या होने वाला है। ठीक है गाइज, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस मेरे साथ, ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस रीडिंग को देख के आपको क्या लगा, क्या फेस कर रहे हो? साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं मुझसे अपनी जो है सिचुएशन के अनुसार से रेमेडीज रिचुअल लेना, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।